मैं चाहूंगा कि वो तुरंत जाकर अपने जो है निर्धारित स्थान पर अपनी बायोमेट्रिक करवाए, उससे वरना उनका रिजल्ट विदहेल्ड कर लिया जाएगा वेरिफिकेशन ना करवाने पर। तो मेरी यही अपील है, उनको मैसेज भेज दिए सबको, तो तुरंत जाएं अपना वेबसाइट पर रोल नंबर देख लें और अपनी बायोमेट्रिक करवाई। ये हमारी अपील है। अपनी एक अपना एडमिट कार्ड लेकर आना है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, और कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र उसके पास हो उसे लेकर उसे पहुंचना है। वह अपने जिले में भी कर सकता है। अगर किसी कैंडिडेट को कहीं दूसरी जगह वो गया हुआ है हरियाणा में ही, तो वहाँ पर जो भी केंद्र है वहाँ पर जाकर अपना बायोमेट्रिक करवा सकता है। बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनको लगता है, हरियाणा से बाहर के जो हैं वो किसी भी केंद्र पर जाकर जो उनको अपने नज़दीक लगता है वहाँ पर अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। जी सर, सर कल से आईरिस हो रही है, उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन सर, कितने बच्चों का नोटिस सर, किस प्रकार का जो कार्यक्रम? क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आईरिस जी, वेरिफिकेशन के लिए? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आयरिस के लिए 2 तारीखें रखी, एक तो 16 और एक 17 दिसंबर को, और ये हर जिले में एक निर्धारित स्थान पर होने, जिसकी सूची हमने अपने वेबसाइट पर डाल दी गई है। लेवल 1 में हमने 8,003 कैंडिडेट्स को बायोमेट्रिक के लिए बुलाया है। लेवल 2 पर 21,062 कैंडिडेट हैं और लेवल 3 में 8,162 कैंडिडेट्स हैं। तो कुल मिला के 37,227 कैंडिडेट हैं जिनको हमने बायोमेट्रिक के लिए बुलाया है। तो